जहां एक तरफ ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और एप्पल ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि भारत ने ताबड़तोड़ खरीदा है अमेरिकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जून महीने में रिकॉर्ड तोड़ खरीदा है। आखिरकार ऐसा क्यों? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कॉन्ट्रैक्ट पर आईफोन का उत्पादन करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन का भारत में कारोबार 2024 तक 10 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, ये जानकारी कंपनी के चेयरमैन यंग लियू ने दी है। फॉक्सकॉन ने अब तक भारत में 1.4 अरब डॉलर का निवेश किया है। लियू ने बताया कि पिछले साल तक हमने 10 अरब डॉलर से अधिक कारोबार किया है और भविष्य में भी हमारे पास कई योजनाएं हैं। उन्होंने ये बात फॉक्सकॉन के संयंत्र के पास केवल महिलाओं के लिए बने आवासीय परिसर के उद्घाटन समारोह में कहा। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लियू ने कहा कि देश की अपनी वर्तमान यात्रा के दौरान उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और महसूस किया कि भारत उन्नति की ओर अग्रसर है। इस वर्ष 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बाद लियू की ये पहली भारत यात्रा है। लियू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के साथ अपनी लगभग एक सप्ताह लंबी भारत यात्रा की शुरुआत करी। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना में फॉक्सकॉन के निवेश पर चर्चा की। लियू ने इन तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों से भी मुलाकात। कंपनी की महिला आवासीय परिसर का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया। उद्घाटन के दौरान लियू ने किया कि कंपनी स्त्री पुरुष का अंतर किए बिना कर्मचारियों का नियुक्त करती है, लेकिन भारत में महिलाएं, विशेषकर विवाहित महिलाओं ने इसके प्रयासों में बहुत योगदान दिया है। फॉक्सकॉन के चेयर ने कहा कि भारत में ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी द्वारा सभी नियुक्तियों को बढ़ाने के लिए रुझान है। वैसे आपको बता दूं, जहां फॉक्सकॉन का बिजनेस 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, तो वहीं एप्पल का ऑपरेशन भी 23.5 बिलियन डॉलर के वैल्यू तक पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ये चीजें दिखा रही है कि भारत में रिकॉर्ड तोड़ तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट भी असेंबली प्लांट में काफी मदद कर रही है और ये चीजें भारत को आगे की तरफ ले जा रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, इस आर्टिकल को खुद ग्लोबल टाइम्स ने शेयर किया है और इन्होंने शेयर करते हुए कहा है कि हम अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की, तो टॉप 10 देशों में अब 5वें पोजीशन पे भारत भी आ गया है। चाइना 4,659, तो वहीं अमेरिका 2,497 बिलियन डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग करता है। जर्मनी 845 बिलियन डॉलर का, जापान 818, तो भारत 456। भारत के बाद साउथ कोरिया, मेक्सिको, इटली, फ्रांस और ब्राजील का नंबर आया है। यानी भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। पर कहते हैं ना कि एक साथ और भी चीजें होना, कुछ ऐसा ही इस वक्त हो रहा है। देखने को मिल रहा है कि फॉक्सकॉन ने एक और बड़ा ऐलान किया है और फॉक्सकॉन का कहना है कि हम यहाँ पर स्टोरेज लगाने वाले हैं, बैटरी स्टोरेज यूनिट को लगाने वाले हैं और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का हम उद्घाटन यहाँ पर करेंगे, ताकि यहाँ पर बैटरियों को संरक्षित रखा जा सके, एनर्जी ट्रांजिशन में, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में मदद मिलेगा इससे। हालांकि ताइवान जैसे जैसे भारत के साथ संपर्कों को बढ़ाता जा रहा है, चाइना को वैसे वैसे इस चीज को लेकर टेंशन जरूर हो रहा होगा, क्योंकि ताइवान पहले भी यही कोशिश करता रहा है कि वो अपने पूरे सप्लाई चेन को भारत की तरफ शिफ्ट कर दे। ताइवान और चाइना के बीच जैसे रिलेशन है, ऐसे में और कोई उपाय दिखता भी नहीं है। कई सारी कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ग्राफ देखिए। ये ग्राफ है, US का ट्रेजरी डिपार्टमेंट बॉन्ड निकालता है और उस बॉन्ड को कई सारे देश खरीदते हैं। चाइना ने क्या किया था, चाइना ने बॉन्ड खरीदना शुरू किया 2001 के आसपास में और ये आगे बढ़ते चले गए और ये ग्राफ ट्रिलियंस में पहुंच गया, इतना ज्यादा इन्होंने खरीदा। एक समय तो
$1 trillion के आसपास खरीद हो गई थी, जितना खरीद कर बॉन्ड रख लिया था चाइना ने। आखिरकार इससे क्या होता है? इससे चाइना को व्यापार करने में भी सहूलियत होती है, क्योंकि काफी सारा बॉन्ड खरीद कर रखा है तो इसके सामान को प्रिफरेंस ज्यादा मिलता है। दूसरी चीज ये होती है कि अपनी करेंसी को भी स्टेबल रखना, फॉरेक्स रिजर्व को ज्यादा से ज्यादा बना कर रखना। दूसरी बात ये है कि अमेरिका को एक तरह से इन्होंने कर्जा दिया है, मतलब समझ लीजिए कि अमेरिका के पास कुल कर्जा दुनिया भर से जीतने का हो उसमें से $770 बिलियन का कर्जा अभी चाइना का है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हालांकि अब गिरता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये बहुत सारे बॉन्ड को बेच बेच कर वापस ले रहे हैं और ज्यादा पैसा नहीं रख रहे हैं, कम पैसा अब रख रहे हैं, क्योंकि व्यापार में भी अब ट्रेड में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव बनाना चाहता है चाइना, और इस दबाव के कारण भी इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। चाइना कई कारणों से, जैसा कि हमने कहा कि कई सारे कारणों से ये बॉन्ड लेता है, पर भारत इस लिस्ट में पहले कहीं भी नहीं था, पर अब देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी यहाँ पर बढ़ोतरी करी है और भारत ने अब अमेरिका को $241 बिलियन का कर्जा दिया है। कहने का अर्थ ये है कि US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बॉन्ड इन्होंने खरीदे हैं। $1.11 trillion का चाइना ने खरीदा था और चाइना के बाद और भी कई सारे देश हैं। ऐसा नहीं है कि भारत अकेले को ये सारा काम कर रहा है या चाइना अकेले को कर रहा है, इसके अलावे भी कई सारे देश हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस ग्राफ में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जापान कुल $1 trillion को लेकर बैठा हुआ है, ये 2024 का आंकड़ा है। वही बात करें चाइना मेनलैंड, इसने भी $770 बिलियन का सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद रखा है। यूनाइटेड किंगडम 710 और लग्जमबर्ग 384, कनाडा $338 बिलियन, केमेन सेमन आइलैंड 319, बेल्जियम 312, आयरलैंड 307, फ्रांस 276, स्विट्जरलैंड 272 और ताइवान 257। तो भारत ने भी यहाँ पर बढ़ोतरी करी है, हालांकि इस लिस्ट में भारत आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि भारत $241 बिलियन यहाँ लगा चुका है। पर अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि अमेरिका को दिया गया कर्जा एक हिसाब से गारंटी मानी जाती है कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, पर साथ ही साथ बड़ी बात यह होती है कि अमेरिका का जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि 2024 में भी जो इनका ग्रोथ होगा 3.2% रहेगा, तो इस ग्रोथ से एक अच्छा खासा रिटर्न भी हासिल होता है। हालांकि बहुत ज्यादा पैसा किसी दूसरे देश को कर्ज देना भी सही नहीं होता है, अगर वो कर्ज ना लौटाए जैसे कि आज की डेट में अफ्रीकी देशों वगैरह में हो रहा है, तो फिर ये एक बेहद बड़ी समस्या बन जाती है। जैसे चाइना कर्ज के चक्कर में ही चला गया है, अमेरिका का एक रेपुटेशन है और अमेरिका अपने रेपुटेशन को खराब करना नहीं चाहेगा, इसलिए ऐसी स्थिति जल्दी आएगी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।